देश भर में कोरोना वायरस का खौफ है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की जो स्थिति है वो दूसरे राज्यों के मुकाबले भयावह है। सीएम उद्धव ठाकरे अपने राज्य को कोरोना से बचाने में नाकाफी साबित हो रहे हैं। हालात ये है कि राज्य में कोरोना का केस सबसे ज्यादा है। वहीं अब उद्धव ठाकरे अपने आवास को भी कोरोना से नहीं बचा पाए हैं। जो खबर निकल कर सामने आ रही है उसके मुताबिक ठाकरे के आधिकारिक आवास जिसका नाम वर्षा है, वहां तैनात सहायक पुलिस इंस्पेक्टर की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। महिला अधिकारी की रिपोर्ट आने के बाद अब उद्धव ठाकरे खौफजदा हैं। शासन प्रशासन में हड़कंप मच गया है। रिपोर्ट आते ही आवास के बाहर तैनात पुलिस अधिकारी को क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया है। इसके अलावा आसपास के क्षेत्र को भी सील कर दिया गया है। इससे पहले महाराष्ट्र के आवास मंत्री जितेंद्र अहवाद के सुरक्षा कर्मी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद मंत्री जी ठाणे के एक निजी अस्पताल में भर्ती हो गए। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों की वजह से उद्धव ठाकरे की सरकार सवालों के घेरे में है। इतना ही नहीं, हाल ही में लॉकडाउन के बीच महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद से ही विपक्ष एनसीपी शिवसेना कांग्रेस गठबंधन पर लगातार निशाना साध रहा है। उधर महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 5,200 के आंकड़े के ऊपर जा चुकी है। ये वाकई चिंता की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।